देर शाम भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के छोटी दिलोरी गांव पहुंचे और नीलम देवी के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। पूर्व मंत्री ने परिवार वालों से घटना को लेकर जानकारी हासिल की। भाजपा नेता ने नीलम देवी की बर्बरतापूर्ण हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन से मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिल सके इसके लिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। उन्होंने परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं और किसी भी मदद की जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद करेंगे। जिस दिन मुझे ये घटना मालूम हुई थी उसी दिन मैंने एसपी साहब से और प्रशासन से बातचीत की थी। बहुत निर्दयता से हत्या हुई है, इंसानियत के खिलाफ है। कभी भी हमारे इस इलाके में इस तरह की हत्या कभी नहीं हुई। ये पहली घटना है भागलपुर जिले में कि इस तरह एक महिला को घात लगाकर इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जो इसमें शख्स शामिल है उसकी गिरफ्तारी हुई है और स्पीडी ट्रायल के साथ उसको सजा कराएंगे। और इनके परिवार ये बहुत देख रहे हैं, बहुत गरीब परिवार हैं और सरकार से भी मांग करेंगे कि इनके परिवार की पूरी मदद की जाए। पटना में मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, जब 13 को सत्र शुरू होगा तो यहाँ के परिवार की सारी स्थिति को उनको भी बताएंगे कि इस परिवार के साथ प्रशासन को सरकार को खड़ा रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह परिवार के साथ खड़ी है। पहले भी विजय सिन्हा जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के जितने लोग हैं वो दुख की घड़ी में मजबूती से खड़े रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार झा के अपहरण और हत्या मामले में फरार चल रहे बाद थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी आरोपी दिलीप मंडल के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में किए गए कुर्की जब्ती के दौरान पुलिस ने खिड़की, पंखा, टेबल, फ्रिज, टीवी सहित कई सामान को जब्त कर लिया। कोर्ट के आदेश पर दिए गए कार्रवाई के दौरान लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के साथ सुल्तानगंज थाना, शाहकुंड थाना, बाद थाना, अकबरनगर थाना पुलिस भी मौजूद रही। हम आपको बता दें 22 नवंबर को सुल्तानगंज के शाहबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने 26 नवंबर को इसकी हत्या की पुष्टि कर दी थी। मामले में 5 नामजद आरोपी में से 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दिलीप मंडल और उसके भाई की पुलिस तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। देर रात भागलपुर के एसएसपी कार्यालय के समीप 2 बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक किशोर की मौत हो गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक किशोर की पहचान आदमपुर निवासी सुनील मिश्रा की 17 वर्षीय पुत्र ऋतिक मिश्रा के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि ऋतिक अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर बैठकर घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऋतिक की बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दौरान बाइक पर सवार 3 युवक बुरी तरह घायल हो गए। गंभीर रूप से जख्मी ऋतिक को स्थानीय लोगों ने मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऋतिक 10वीं का छात्र था और 2 बहनों में वो इकलौता भाई था। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टक्कर मारने वाले बाइक सवार की खोज में जुट गई है। कैसे हुआ? कितना लोग हुआ है? कितना लोग था? 2 लड़का था। कैसे हुआ? वो गन्नो गाड़ी वापस लड़ गया यहीं पे। अरे ये 5 कम दोनों एक्सीडेंट है बस, और कुछ नहीं जाना इतना मत हमें जानी खुदे काम कर चाहिए। कितना आदमी छले? तीन आदमी यहाँ पे बोला जा रहा है। 3 आदमी था अपाची का, 3 आदमी था। हाँ, एक आदमी था अर्बन फाइटर। भागलपुर के खंजरपुर स्थित भवानी कन्या मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूली खेल प्रतियोगिता में स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं भेजे जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। छात्रों के हंगामे और मीडिया कर्मियों के दबाव के बाद स्कूल प्रबंधन छात्रों को जगदीशपुर में हो रहे खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भेजे जाने के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल जगदीशपुर प्रखंड में स्कूली बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता होनी थी और भवानी कन्या मध्य विद्यालय के 40 बच्चों का चयन प्रतियोगिता के लिए किया गया था, लेकिन अब फंड के अभाव के कारण स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों को खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भेजा नहीं जा रहा था, जिसके बाद स्कूली छात्र आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। स्कूल के प्रचार दीप कुमार ने बताया कि स्कूल का भवन भी जर्जर हो गया है। लगातार अधिकारियों और विभाग को जानकारी देने के बावजूद भवन ठीक नहीं कराया जा रहा था। कुछ दिन पूर्व इंजीनियर के कहने पर उन्होंने भवन ठीक कराने के लिए अपने पैसे से काम भी लगाया है, अभी तक वो पैसा भी वापस नहीं मिला है, इसलिए वो अपना पैसा लगाकर बच्चों को प्रतियोगिता में भेजे जाने में असमर्थ है।
का कॉम्पिटिशन होने वाला था जगदेशपुर में, जो कि मैसेज भी बहुत पहले मोबाइल पे सर लोग के आ गया था, पर सर बोले कि मीटिंग कर लो। हम लोग मीटिंग रख लिए, मैडम से सलाह ले लिए कि जाना है कि नहीं। सारे मैडम रेडी हो गए, सर भी रेडी हो गए थे, फिर 9 बजे रात में आके कैंसिल कर दिए। फिर सुबह आए, सब बच्चा को घुमा रहे हैं, तो हम लोग का भविष्य नहीं है दौड़ने का, बस यही कहना। हमारे पास वित्तीय कोई राशि नहीं मिला है और इन्होंने कह रहा है कि आप गबन किए हैं। ये राशि मुआयना होगा हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा। आप किस पोस्ट? हम अभी प्रधानाध्यापक पर हैं। आप बोल रहे प्रधानाध्यापक खुद, और ये प्रधानाध्यापक एक विद्यालय में और हैं, श्री देवानंद सिंह, इन्होंने की गैर योजना में अपना आज तक नौकरी निभा रहे हैं। विद्यालय के प्रति उनको जरा सा श्रद्धा ही नहीं था। तो प्रेजेंट में तो हम शुरू कथा किए, उस कथा में हमको बाधा ही बाधा मिल रहा है। तो ये बच्चे का भविष्य का खिलवाड़ नहीं हुआ सर, इसमें भविष्य का भविष्य का खिलवाड़, ये हमारा रोज का प्रैक्टिस है। हमको खुद दर्द हुआ, हम आज 3 दिन 4 दिन पहले हमारा जो कोचर था, कोचर बोला कि सर जगदीशपुर हुआ है जाने का। हम बोले जगदीशपुर भैया हम नहीं भेज सकेंगे, उतना दूर है, थोड़ा दूर यहाँ बरारी भेजे तो हम 1.5 घंटा तक तो रोड पर घूमते रह गए। अब हम वहाँ जगदीशपुर भेजेंगे तो पता नहीं रात भर हमको रोडे पर रहना नहीं पड़ जाए, इसलिए हम नहीं भेजेंगे। तो दायित्व सर की भेजना बच्चे को खेल कूद में आगे प्रोत्साहित करना सर, इसके लिए तो हम किलकारी सेंटर में अपना राशि दे करके भेजे हैं। हम तो उसमें किसी को नहीं पूछे, ना हेडमास्टर को भी पूछे। आज वही दिक्कत हुआ कि आगे हम भवन कार्य में फंसे हुए हैं, वित्तीय मामला मेरा फंसा हुआ है, इसलिए लोगों ने समझाया कि नहीं आगे अब स्टेप तुम मत बढ़ो, आगे और बढ़ोगे तो और तुम उलझोगे। बिहार में पिछले 6 सालों से अधिक समय से शराबबंदी कानून लागू हुए, लेकिन लगातार शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने की तस्वीर सामने आती रहती है। ताजा मामला भागलपुर की साक्षक थाना क्षेत्र का है, जहां एक शराबी ने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। शराबी यूनियन बैंक कितला स्थान के पास सड़क किनारे बेसुध गिरा पड़ा था, जिसे साक्षक थाना पुलिस के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद उठाकर थाने लाया गया। शराबी की पहचान जरलाही निवासी टिंकू मंडल के रूप में हुई है। शराबी ने बताया कि वो शराब अलीगंज से पीकर आ रहा था। कहाँ पिया था तुम? पिए थे। कहाँ पे? इधर घूमो, बोलो कहाँ पे पिए थे तुम? यहाँ डेली पूरा पूरा। हाँ, कहाँ पे, कहाँ पे पिए थे? आए थे उधर से, किधर से? मुझे बताया अलीगंज से पी के आया था। हाँ, गिर गया तुम कहाँ पे? जरलाई चौक पे गिर गया। कब का बात है? घर हुआ वहाँ जरलाई चौक का है। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के नीचे दुकान लगाने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान एक दुकानदार ने महिला दुकानदार के सर पर डंडा दे मारा, जिससे महिला घायल हो गई और देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी दिए जाने के बावजूद काफी समय बाद कोतवाली थाना की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची। कोतवाली थाना की SI रमनी झा ने घटना कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी को देखते ही भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर मीडिया कर्मी का मोबाइल तक छीन लिया। रमनी झा यही नहीं रुके, एक मीडियाकर्मी को देख लेने की धमकी देते हुए झूठे केस में फंसाए जाने की भी बात कही। मैं आपको बता दें, कोतवाली SI रमनी झा के द्वारा इससे पहले भी मीडियाकर्मियों के साथ कई बार बदसलूकी की घटना को अंजाम दिया गया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडियाकर्मियों के साथ कोतवाली SI के द्वारा किए जा रहे विवाद पर पुलिस कप्तान क्या संज्ञान लेते हैं, यह तो समय ही बताएगा। भागलपुर में आए दिन विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता में कमी को लेकर कई क्षेत्रों के स्कूल में अभिभावक आंदोलन करते दिखते हैं। वहीं कई विद्यालय के बच्चे मिड डे मील के जहरीले खाने खाकर बीमार भी होते दिखते हैं, फिर भी विद्यालय प्रशासन सचेत नहीं हो रहा। ऐसा है कुछ मामला भागलपुर की सबौर प्रखंड के रंदीपुर से सामने आया है। रंदीपुर के मध्य विद्यालय में मिड डे मील में कीड़ा मिलने पर परिजनों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से खाना में कीड़ा निकल रहा है। जब इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से की गई तो उन्होंने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। इतना ही नहीं, जब बच्चों ने अपनी थाली में खिचड़ी मरे पिल्लू को दिखाया तो प्रधानाध्यापक ने कहा कि चावल का लंबा दाना है और जबरन बच्चों को खिलाया गया। इसके बाद परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं दिया जाता, हम लोग शिकायत भी करते हैं बावजूद इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता।
चार दिन से बच्चा शिकायत कर रहा है कि पिल्लू निकल रहा है। ये लोग कोई ध्यान नहीं देता है। अंडा आता है बच्चा को तो देना पहुँच देता है, सब अपने बिल ले करके घर ले चले जाता है। क्या दिक्कत हुआ तुम्हें स्कूल में? दिक्कत है सर बहुत आंटी, स्कूल में ना खाना पकाने वाली है ना, वो खाना आते तुरंत उतरते ना, हम लोग स्कूल से बाहर निकलते ना खाना पकाने वाली पानी मिला देते हैं, देखने जाते हैं ना बोलते कि ऐसा डब्बो मारेंगे ना भाग जाएगा। हेलो, यहाँ का सभी बच्चा खेलता लुटता, पढ़ने में शिक्षा पे मास्टर ध्यान नहीं देता, खाने में कीड़ा और उसमें कुछ बोलता है अपना सोचो। मामला ये था कि जो बच्चे का खाना खिचड़ी आता है उसमें ग्रामीण और बच्चों ने शिकायत किया कि जिला परिषद महोदय खाना में कीड़ा निकल रहा है, इस पर बच्चे बीमार हो जाएंगे। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए मैंने खाना को जांच किया, सही पाया गया, इसलिए उस पर कार्रवाई के लिए मैं डीओ भागलपुर वीडियो सबोर को भी सूचित किए और कीड़ा निकला। हम प्रबंधन को फोन से शिकायत किए कि खाना बर्बाद हो रहा है, आप इसको सुधार कीजिए। तो आज भी आया, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हमको फोन किए कि देखिए सर कीड़ा निकला, चलिए आप लाइन पर रहिए, हम उनसे बात करते हैं और उनको सुनाए भी। तो वो बोले कि मेरा आदमी जा रहा, आज मशीन बैठा हुआ है थी उसको साफ करने के लिए, पुराना चावल था जिसके कारण निकल रहा है, कहिए इस पर सुधार कीजिए। कहिए ठीक है, नहीं तो हम तो खाना लौटा ही देंगे, अगले दिन से यदि ऐसा शिकायत मिलेगा तो हम ग्रामीणों द्वारा बंद करवा देंगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत हो गई है। इस बार छात्र राजद के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने कुलपति और कुल सचिव का छात्रों ने पुतला दहन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल TNB कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी का कार्यकाल 5 तारीख को पूरा हो गया, जिसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा एक्सटेंशन के लिए विश्वविद्यालय को पत्र लिखा था, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा कमेटी गठित कर दी गई है। छात्र राजद का कहना है कि प्राचार्य पर पहले से ही कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और वो कई रिपोर्टों में दोषी भी पाए गए हैं, इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें हटाने का काम नहीं किए हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग रखी है कि अविलंब उन्हें प्रिंसिपल के पद से हटाया जाए, नहीं तो विश्वविद्यालय में चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। कुलसचिव का कहना है कि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए वो कुलपति से बात करेंगे और जो सही निर्णय कुलपति द्वारा लिया जाएगा उस पर ही काम किया जाएगा। हम लोग का आगे का प्रोग्राम चरणबद्ध, अगर हम लोग की मांग को और वहाँ के प्रिंसिपल को नहीं हटाया जाता तो हम लोग आगे का अपना रूपरेखा तैयार करेंगे आंदोलन का। जहाँ तक होगी तो इससे भी बेहतर हम लोग लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। परेशानी कुछ नहीं है, इनके द्वारा हमको जो मैंने इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया उसको वो देखे हैं और आज भी इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है उसको गहन अध्ययन करके मैं इस बात को VC साहब को इस बात से अवगत कराऊंगा और VC साहब जो डिसीजन लेंगे उससे भी हम इन लोगों को अवगत कराएंगे। VC साहब अभी बीमार चल रहे थे, अभी डेरा से ही काम कर रहे हैं, जैसे ही उनके पास हम जाएंगे और उनको अवगत कराने के बाद जो वो डिसीजन लेंगे हम छात्रों तक उसको पहुंचाएंगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के खेल कैलेंडर से बॉक्सिंग को हटा दिए जाने के बाद बॉक्सिंग से जुड़े खिलाड़ियों में काफी आक्रोश है। हरियाणा के रोहतक में जनवरी में होने वाले बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 12 तारीख तक विश्वविद्यालय को इंट्रेंस के लिए रिपोर्ट भेजनी है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा हरियाणा में होने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए लेटर नहीं भेजा गया है। इसको लेकर बॉक्सिंग से जुड़े छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय कुलसचिव से मिली और उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द उन लोगों को हरियाणा में होने वाले बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खेलने के लिए भेजा जाए, क्योंकि यहां के छात्र छात्राएं नेशनल स्तर से लेकर स्तर तक बॉक्सिंग में मेडल ला चुके हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय के द्वारा कैलेंडर से बॉक्सिंग को क्यों हटा दिया गया, इसको लेकर छात्र छात्राओं में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय कुलपति के द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की बात की गई थी, लेकिन यहां विश्वविद्यालय के द्वारा कैलेंडर से खेलों को ही हटाया जा रहा है। कुल सचिव का कहना है कि वो इसके लिए खेल पदाधिकारी और कुलपति से बात कर इस पर जल्द कोई निर्णय लेंगे। विश्वविद्यालय के कैलेंडर से खेल का जो कैलेंडर होता है उससे बॉक्सिंग को हटा दिया गया। अब उन लोगों का कहना है कि बॉक्सिंग नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। अगर खिलाड़ी है नहीं तो फिर इतना खिलाड़ी आए हम लोग कहाँ से? पिछले बार भी मेहनत किए थे, पिछले बार स्टेशन से सबको घूम के आ गया था। अब हम इस मुद्दे पर फिर हम एक दिन बुलाए थे स्पोर्ट्स इंचार्ज को, अभी हम तुरंत उनको स्पोर्ट्स इंचार्ज को बुलाते हैं और उनको हम VC साहब से बात करवाते हैं बॉक्सिंग की ये जो स्थिति है यहाँ,
जब विद्यार्थी आए हैं बॉक्सिंग के, तो फिर हम उस पर स्पोर्ट्स इंचार्ज से कहेंगे कि पुनर्विचार कीजिए और वीसी साहब से भी बात कीजिए और सिचुएशन को उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक होगा, जहाँ तक संभव है, हम प्रयास करते हैं कि इनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बच्चे मेडल आए हैं सर नेशनल में भी, उसके बाद इस तरह का? इसके पहले भी बच्ची आई थी हमारे पास कि हम लोग मेडल लिए हुए हैं, हम लोग बिहार खेले हुए हैं, तो हम स्पोर्ट्स इंचार्ज को इस बात की जानकारी दिए थे, लेकिन कोई डिसीजन नहीं पाया हो पाया है। पुनः मैं उन्हें बुलाकर और मैं वीसी साहब से उनसे बात करवाता हूँ और कोई ना कोई डिसीजन तो अवश्य निकलेगा। आज मालदा डिवीजन की डीआरएम विकास कुमार चौबे भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ रेल, डाक एवं पार्सल के निर्यात को लेकर बैठक की। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रवण कुमार बाजोरिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान बड़ी संख्या में भागलपुर के व्यवसायी शामिल हुए। बैठक के दौरान पार्सल को ठीक तरीके से निर्यात को लेकर वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इसमें खास तौर पर व्यापारिक वर्ग, रेलवे के बीच आपसी समन्वय हो, इस पर भी बातचीत हुई। बैठक में चैंबर के सभी सदस्यों ने डीआरएम के समक्ष पार्सल भेजने पे होने वाली समस्याओं से अवगत कराया, जिसे डीआरएम ने फौरन संज्ञान लेते हुए पार्सल व डाक नियमों में सुधार कराने का आश्वासन चैंबर को दिया। वहीं बैठक को लेकर डीआरएम ने बताया कि भागलपुर यात्रियों के अलावा औद्योगिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण शहर है। ऐसे में यहां के व्यापारिक वर्ग के लोगों को दूसरे राज्यों और बड़े शहरों में उत्पाद निर्यात में होने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही कहा कि भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे के संयुक्त तत्वाधान में टर्मिनल 2 टर्मिनल उत्पाद को पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे व्यापारी वर्ग की मूलभूत समस्याओं को जानना आवश्यक है। साथ उन्होंने लंबे समय से जिले में राजधानी के प्रचालन की मांग को लेकर कहा कि मंडल स्तर से कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई है, मुख्यालय का निर्देश आना शेष है। देखिए, भागलपुर यात्रियों के संदर्भ में तो महत्वपूर्ण शहर है ही है, लेकिन उद्योग के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए भागलपुर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ आज मुलाकात हुई, बैठक हुई, इनफॉर्मल चर्चा हुई, जो ग्रोथ के एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके ऊपर बातचीत हुई, कहाँ कितना माल किस माध्यम से जा रहा है, तो उनकी लॉजिस्टिक्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में ट्रेड के सभी सम्मानित मेंबर्स ने हमको अवगत कराया। जो चीज़ें हमको प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आ रही हैं, रेलवे उसमें जो जो मदद कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नया प्रोडक्ट जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट के नाम से है, जो कि भारतीय रेल और इंडिया पोस्ट की पहल है, जिसमें दोनों विभागों ने इकट्ठा होकर के इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जिसमें कि न केवल टर्मिनल टू टर्मिनल ट्रांसपोर्टेशन बट कि फर्स्ट एंड लास्ट माइल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और एक सिंगल बिल्टी जिसको कहते हैं, सिंगल पी वे बिल, पार्सल वे बिल, सिंगल बिल के तौर पे आपको ये सुविधा डोर टू डोर उपलब्ध हो जाएगी। इंश्योरेंस भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, मैकेनाइज्ड लोडिंग अनलोडिंग। तो ये जो प्रोडक्ट था, इसके बारे में हम लोगों ने सीनियर डीसीएम, सीनियर डीएम, सीनियर डीएमई हमारे साथ में थे, हमारे अधिकारी, तो हम लोगों ने विस्तार से ट्रेड के साथ इसको शेयर किया है, और जो रिस्पांस है वो ट्रेड का बहुत ही इनकरेजिंग है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भागलपुर, जो कि एक बहुत ही डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का उद्योग और डेवलप करेगा, नए मार्केट्स में यहाँ की आउटरीच मिलेगी, और उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो कि एक तरह का लिमिटिंग फैक्टर रहता है, तो उस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने में भारतीय रेल और इंडिया पोस्ट कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। राजधानी के परिचालन को लेकर के लंबे समय से मांग उठ रही है, इसको लेकर? देखिए, राजधानी के परिचालन के संबंध में बड़े लंबे समय से मांग उठ रही है, इसके बारे में मंडल के लेवल पे कोई खास कार्रवाई नहीं है, एक्सेप्ट कि हम लोगों ने अपना प्रपोजल, जो भी डिमांड हम लोगों को रिसीव होती है, उसको हम लोग मुख्यालय भेजते हैं, तो वो काम हम लोग कर चुके हैं, बाकी इसके ऊपर निर्णय जो है वो पॉलिसी डिसीजन है ऊपर के लेवल। इसके तहत कलेक्शन सेंटर कहाँ कहाँ बनेगा? देखिए, अभी ये हम लोग इनिशियल स्टेज है, अभी हम लोग फर्स्ट मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी पहली बैठक है जिसमें कि इंडिया पोस्ट के लोग भी थे और पोस्टल डिपार्टमेंट के और रेलवेज के लोग भी थे, हम लोगों ने मिलकर के आज चर्चा करी है। अब जैसी ट्रेड की रिक्वायरमेंट होगी, हमारे पास कई स्टेशन है, सबौर है, क्या कहते हैं कि टिकानी स्टेशन भी है और भागलपुर स्टेशन तो है ही है,